जय हिंद किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं गांव बूढ़ा खेड़ा, जिला कैथल। ये नरेश बैनीवाल का गांव है। नरेश बैनीवाल की भैंस रेशमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 37 किलो 600 ग्राम। उसी के उपलक्ष्य में ये पार्टी रखी गई है, जिसमें चार स्टेटों के पशुपालक आए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से। और किसान साथियों, पशुपालन पहले सहायक धंधा मानते थे, आज मुख्य धंधा है पशुपालन। किसान की आमदनी का एक साधन है। और जो रेशमा भैंस ने रिकॉर्ड बनाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो हम ये तो मानते नहीं कि आखिरी है, क्योंकि पशु पहले भी मार्केट में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं। रेशमा ने आज उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी खुशी में ये पार्टी रखी गई है। किसानों ने नरेश बैनीवाल को सम्मानित किया उसकी मेहनत के लिए, और नरेश बैनीवाल ने भी स्मृति चिन्ह देकर सभी पशुपालक व यूट्यूबरों का मान बढ़ाया है। और इस वीडियो के अंदर मैंने अपने पशुपालन कैसे स्टार्ट किया, अपने बारे में जानकारी दी गई है, और मेरी अपनी जुबानी है और अपनी ही कहानी है। इसके अंदर कोई बनाकर पेश नहीं किया गया। जो मेरे साथ बीती वही मैंने बताई। और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो लंबी है। इस वीडियो के अंदर पशुपालन की जानकारी दी गई है और जादू टोनों के पर बताया गया है और अंधविश्वास के पर बताया गया है। और मैंने पशुपालन जब स्टार्ट किया तो हमारे वहाँ पर डॉक्टर था भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उसने हमारे को अपने एरिया के अंदर दिखाया कि आपके पास नस्ल बढ़िया नहीं है, तो पूरा टूर कराया। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरी बात पूरी सुनते रहें, तभी आपको जानकारी मिलेगी। आगे वीडियो में जानकारी देखें। दीजिए। तो फिर उसने 22 दिन का अपने एरिया का सारा टूर कराया। मैंने देखा हमारे वहाँ पर 8-10 लीटर वाली टॉप भैंस होती थी, 12 लीटर उसकी निकालती, तो थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोलता था, दिखाता नहीं था, कहता था कि 12 निकालती है। और वहाँ हरियाणा के अंदर मैंने देखा 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस रेंज में भी मैसे उस समय थी 2001 में। तो मैं क्या छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास उतने तो पैसे नहीं थे कि मैं उस समय भी मैं इसका रेट 30,000, 40,000 और 60,000 तक था कि 60,000 लगाकर भैंस लेकर आऊं। संयुक्त परिवार था हमारा, 6 भाई हैं हम। तो मैंने जाकर बात करी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, वो कहने लगे पैसा डूबना है तेरे को, डूब दे। मैंने कहा क्यों? कि हमारे यहाँ तो रात लगती है और नज़र लग जाएगी अगर अच्छी भैंस लेके आएंगे। तो मैंने पूछा भी रात क्या लगती है? तो बुजुर्ग जो थे पुराने, वो कहने लगे कि पशु को कितना भी बढ़िया खाना खिलाओ, वो आगे के लिए गाभिन नहीं होता और लंबे समय तक दूध नहीं देता, सेहत में कमज़ोर रहता है। तो हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर था, मैंने फिर उससे बात की पशुपालन के, भी ऐसे ऐसे बात है, अभी मेरा मन करता है कि मैं मुर्रा लेके आऊं। तो वो कहने लगा कि तेरे को ट्रेनिंग दिलवाएंगे स्पेशल। फिर उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, पशुओं के बारे में पूरी जानकारी दिलवाई, क्योंकि वो भी मायूस था जब दूसरे स्टेटों में इनाम बढ़ते थे और स्टेज के ऊपर अंबाड़े का नाम तक नहीं होता था, तो वो भी मायूस था। तो इसलिए उसने भी फिर मेरे ऊपर फोकस किया और मैं ट्रेनिंग करके फिर भैंस ढूंढने चला। दाएं बाएं से पकड़े 30,000 रुपये और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर था उसकी डिग्गी में डाल लिए, लगातार 1.5-2 साल घूमता रहा। वो थी मात्र 12-14 लीटर के आसपास की। तो मैंने फिर लोगों के सामने चुवाई कराई और नगद इनाम रखा कि अगर कोई भी आदमी इसको टोक लगाएगा उसको 1 लाख रुपए नगद दिया जाएगा और भैंस फ्री दी जाएगी उस आदमी को। वहाँ पर हमारे गांव के अंदर देखने के लिए जितने भी नौजवान पीढ़ी थी उनको सबको बुलाता था, क्योंकि जब आँखों से देखेंगे कोई बात है तभी पता चलेगा कि हाँ वाकई में निकालती है। घर में तो अपने आप सबकी निकालती हैं। तो फिर मैंने
वहाँ पे कैंप लगवाए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के, 180 औरतों को ट्रेनिंग दिलवाई, क्योंकि जो औरत है वो जो उसके काफ होते हैं गाय का चाहे भैंस का अच्छी तरीके से तैयार करती है, क्योंकि हर समय घर पर रहती है, उसको उसकी ज़रूरतों का पता होता है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस भैंस को जब गाभिन होने के लिए तैयार हो गई, जो मैं लेके आया था मीडियम, तो फिर मैं, मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैं मोटरसाइकिल के पास पीठ पिछड़ किसी का सिलेंडर मांग कर यहाँ फिर HLDB में आया। यहाँ पर रिक्वेस्ट की तो बहुत मुश्किल से मेरे को एक सीमन मिला, तो मैंने कहा लाते अगर लगाएंगे तो ये ख़राब होगा, मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, तो चाहे पैसे ले लो एक और दे दो। उन्होंने मेरा देखकर भी कितनी दूर से आया है, एक सीमन मेरे को और दे दिया। एक मैंने रात को आके यही कर दी और एक सुबह कर दी H56 की। तो ये उसकी बेटी है जिसने यानी पूरे भारत के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर मेरा नाम किया, मैं भी अब जैसा ही पशुपालक हूँ। और फिर उसके बाद लोगों के पास जाने लगा, लोगों के मनों में वहम था कि हमारे जो काफ हैं वो बचते नहीं, कोई किसी पापे के पास से धागा पुआ के लाती थी जनानी, कोई किसी पापे के पास, डेरावाद आज भी ऐसे ही चलता है। तो फिर मैंने जब ट्रेनिंग दिलवाई लाला लाजपत यूनिवर्सिटी से बुलाकर 180 औरतों को, उनको बताया गया कि जो काफ है इसके पेट के अंदर कई बार माँ के पेट से जो वर्म है डैमेज हो जाता है, फिर हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा जो काफ है कमज़ोर है, तो डॉक्टर साहब उसको दवाई लिख के दे देता है कि इसके पेट में कीड़े होंगे ना, तो डॉक्टर साहब पूछता है कि इसको कब्ज तो नहीं है ना, किसान बताता है बात कि लैटरिन कैसी कर रहा है, उसको कई बार संयोग से कब्ज होती है और वो दवाई दे देता है उसको। और जो वर्म है मरकर अंदर रह जाते हैं, फिर काफ बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों आखिरी समय तो वो डॉक्टर से बात करता है जब यानी इमरजेंसी में है, और फिर वो गर्दन पीछे को कर लेता है ऐसे और ऊपर को देखता है, लोग कहते हैं इसको ना जमदूत दिखाई दे रहे हैं, कहा वो तोड़ लिया, फलाने ने तोड़ लिया, वो पड़ोसन धागा करा के ले आई थी, जबकि उसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है। तो जब आपका काफ पैदा हो, आपने 8 दिन के ऊपर उसकी डीवर्मिंग करनी है उसकी बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर की राय के अनुसार, और फिर उसके 15 दिन बाद करनी है यानी दूसरी यही के 15 दिन बाद, जब वो 23 दिन का हो जाएगा 15 और 23, और तीसरी डीवर्मिंग करनी है 45 दिन पर जब वो 45 दिन का हो जाएगा। उसके बाद गोबर टेस्ट करा के भी कर सकते हैं और महीने महीने बाद भी कर सकते हैं 6 महीने तक। मेरा दावा है अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो किसी का भी काफ नहीं गुजरेगा, उसको कहीं भी पानी कराने की ज़रूरत नहीं, कहीं से धागा लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ से सुलझे हुए हैं। मैंने 98 के अंदर एक किताब पढ़ ली थी, द बिगॉन गॉडमैन, उसने क्लियर कर दिया था कि ऊपर ब्राह्मण क्या है और बॉडी में क्या फंक्शन है। तो मैंने उसी समय 1 करोड़ रुपये इनाम रख दिया था, अगर कोई भी ऐसा काम करके दिखा देगा जो आम आदमी नहीं कर सकता, तो हम हमारी संस्था है तर्कशील सोसाइटी हरियाणा, 1 करोड़ रुपये इनाम देते हैं, 23 हमारी चुनौतियां हैं, अगर उनमें से कोई भी एक कर देगा हम उसको 1 करोड़ रुपये इनाम देंगे। क्योंकि साइंस का मानना है कि खाली स्थान में से कोई वस्तु पैदा नहीं होती, अगर कोई चीज़ पैदा है उसको गायब नहीं कर सकता, यहाँ जो चैनल बने हुए हैं लोकल इनके ऊपर पट्टी बांध के सूंघ के बढ़ते हैं। तो मैंने मेरे गांव के अंदर हाथ खड़े करा दिए थे उसके और उसको 1 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, वो चांसे में आ गया, उसको पता नहीं था कि कौन है ये। तो उनकी ट्रेनर थी एक 22 साल के आसपास की लड़की। तो मैं बता दें एक बार जादू के आइटम भी दिखाएंगे, क्योंकि आज एक ऐसा मंच है जहाँ पे मान सम्मान भी होंगे, मनोरंजन भी होगा, तो जादू का आइटम पेश करेंगे आपके सामने। अरविलास सिंह जी, अच्छा ताशा का है जी, अच्छा जी मुश्किल बना बंदे तो। और भाई देखिए जितने भी भाई, तो अपने पास एक कवर है, कोई साथी नजदीक आओ इसको चेक करो। ठीक है जी, खाली ये मेरे मुंह पे नेट, ये बिल्कुल खाली है और
मेरे पास एक फ्रेम है इसके अंदर हुक्म की अट्ठी बढ़ रही है। ये मैंने अट्ठी यहाँ रख दी और जैसे उंगली दिखाई दे रही है इसके अंदर ऐसे ही पत्ता दिखाई देगा, मैं इसके अंदर पत्ता डालूंगा हुक्म की अट्ठी। ये हुक्म की अट्ठी है और ये फ्रेम है, मैंने इसके अंदर हुक्म की अट्ठी डाल दी और फिर इसने संतुष्टि की कि खाली है, तो मैं इसके अंदर ले जाऊंगा। मंदारिया जादूगर बोलता है कि मेरे को बुट्टी लगानी है, मंत्र बोलता है गिली गिली सुक्की या चुर लूटी चाहे कुछ भी बोलता है वो, चुरलू मरलू जर भी बोलता है। यानी वही हुक्म की अट्ठी है, संतुष्टि करो कि अट्ठी वही है। पैर रख लो, पैर रख लो, जो पैर रख ले तो वही अट्ठी है। तो सबको दिखाई दे रही है अट्ठी, तो मैंने पर्दा किया 1 2 3 वो चली गई, ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है, खोल के देखो। आगी। मंत्र पक्का कच्चा पक्का सही समझो तो घर में राड हो ना न्यो कह रहे हो गए जी। हाँ जी, अगला जादू है तो अपने पास है, ये 3 कपड़े हैं और ये बैग है, ये बैग बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। तो देखने के तो ये कपड़े हैं, ये हरे रंग का कपड़ा, इस पर लिखा हुआ भाषा। हिंदुस्तान में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, यहाँ पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, और इस पर लिखा हुआ धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके अलावा भी बहुत धर्म है हिंदुस्तान के अंदर। और ये है जाति, इनको मात्र आपने कपड़ा नहीं समझना, ये एक संदेश है, ये जाति। यहाँ पर हमारा जो भारत है जातियों में बटा हुआ है, इसीलिए हमारे ऊपर जो बाहर के अक्रांता आए 2000 वर्ष की गुलामी इसीलिए रही क्योंकि हम जाति वाति में बटे रहे। तो मैंने इसमें डाल दी, फिर इसको हिलाया 1 2 3 निकालो जा जा। निकाल ले तो सीधा करो, तो सीधा करो झंडा। ये क्या बन गया, मेरा भारत महान। इतने जात और धर्म के होते हुए भी हम इकट्ठे हैं क्योंकि इसमें डाला जाओ ये दिखाऊं खाली, तो ये बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल खाली है। इतनी जात धर्म और भाषा के होते हुए भी हम इकट्ठे हैं, इसका क्या कारण है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के अंदर ही मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलता भाईचारा। तो इसके अंदर डाल दें। तो पर ये जो चलाक लोग हैं, राजनीति वाले धार्मिक हैं, इन्होंने अपने यानी गद्दी कायम रखनी है तो फिर ये लड़ते हैं हमारे को कि ब्राह्मण है, ये नाई है, ये जाट है, ये पिंजा है। इसको हराया 1 2 3 निकाल के देखो जी। तो फिर अकेले अकेले बैठे हैं, तो इसलिए हमलावर हमारे पास आए और हमला करके चले गए। आज तक हम गुलाम रहे, आज भी नहीं हम समझते, छोटे से एक मैसेज से हम लड़ पड़ते हैं। तो यानी मेरा मकसद है जादू दिखाना नहीं है, मैं सिखा के भी जाऊंगा, मेरी दुकान तो है नहीं, फेल हो जाएगी। और जब बूथ निकालते हैं, जिन्हें निकालते हैं वो भी हम फ्री करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है हर विलास डेयरी फार्म के नाम से, वो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मेरे को आमदन आने लग जाएगी। ये पूछ तो हम फ्री निकालते हैं।